जुड़ना होगा बलूच के आंदोलन के साथ, और भारत की सरकार को सबसे ज़्यादा भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। हम यूनाइटेड नेशंस में बलूच अपना मुद्दा रखते हैं और हमें वहाँ पर साथियों की ज़रूरत है। आज आप हमारा साथ दें, बलूचिस्तान आज़ाद होगा, तो जब भी भारत को वोट की ज़रूरत होगी, भारत को किसी आवाज़ की ज़रूरत होगी, तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ेगा। आज जो बलूच तकलीफ में है, आज जो बलूच दुख में है, जो आज की पीड़ा है बलूच की, उसमें भारत को जुड़ने की आज जरूरत है हमारे साथ। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी की सरकार के पास, शायद कल ना हो, तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की जरूरत है। जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और आज भी भारत में जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। जो ना पाकिस्तान है उसने बलूचिस्तान, जो एक आज़ाद मुल्क था, उस पर कब्ज़ा किया फौज भेजकर, और इस फौजी हमले से जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालत है वो ये है कि बलूचों को एक ऐसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार है, लूट मार है, घर जला रहे हैं, बाग जला रहे हैं, पानी में जहर मिला रहे हैं, और बुलडोजर्स लाकर गांव के गांव जो है वो तबाह कर रहे हैं। What the changes in India's population and the differential growth rate. Rationales about why it's not ending. What's your rationale? We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. Puri duniya ki nazar. Zoom, my phone is tapped. I can probably say hello to Mr. Modi. Aapke Bharat par hai. Pakistan has a unique negotiating style. The rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremists. I'm still a little perplexed by why we have. Your daily dose of news from India and across the world. Cutting-edge views and analysis. Tune into HD videos. Click on the bell icon to subscribe.